सतना शहर में बकायादार व्यापारियों के ऊपर नगर निगम का तालाबंदी रूपी डंडा चला है। लगातार नोटिस जारी करने के बाद भी व्यापारियों ने न बकाया राशि का भुगतान किया था न नोटिस का जवाब दिया था। नगर निगम ने ऐसे 50 दुकानदार जिनके ऊपर लाखों रुपये बकाया था उन्हें चिन्हित किया था। आज नगर निगम के अमले व पुलिस की मौजूदगी में डिप्टी कमिश्नर ने शहर के पन्नीलाल चौक से तालाबंदी की शुरुआत की है। एक के बाद एक तीन दुकानों को नगर निगम के अमले ने तालाबंदी करते हुए सील कर दिया। पूरी कार्यवाही के दौरान दुकानदारों से नगर निगम के अमले से तीखी नोकझोंक हुई तो वही डिप्टी कमिश्नर से एक दुकानदार हाथ जोड़ मिन्नतें करता दिखा। इतना ही नहीं, एक दुकानदार द्वारा तालाबंदी की कार्यवाही पर व्यवधान उत्पन्न करने पर नगर निगम के अमले ने उसे दुकान के अंदर से काला पकड़ते हुए बाहर घसीट लाए और तालाबंदी की कार्यवाही पूरी की है। नगर निगम की कार्यवाही पान मंडी में स्थित लक्ष्मीकांत गुप्ता के घर और दुकानों में हुई। इनका 9 लाख रुपए बकाया था। इसी तरह पन्नीलाल चौक में स्थित कृष्णा कम्युनिकेशन और अनंत स्टोर जो सुंदरी जैन और नरेंद्र जैन के नाम है पर निगम अमले ने लगाया ताला, इनका 6 लाख रुपए बकाया था। इसी तरह बिहारी चौक सहित अन्य जगह भी अमले ने कार्यवाही की है। यह कार्यवाही लगातार जारी रहने की बात नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर ने कही है। सतना से आनंद सिंह की रिपोर्ट। किस तरह की कार्रवाई है, कितना चेक बकाया था? संपत्ति कर की बकाया वसूली के लिए इनको लगातार एक साल से मैं खुद स्वयं नोटिस दे रहा हूँ और 6 बार से अधिक इनको नोटिस दिया जा चुका है और 8 तारीख को लोक अदालत है, इसमें भी इनको बोला कि आप आके जमा करते हैं। 24 घंटे का अंतिम समय भी दिया गया शनिवार, जिसके पश्चात भी इनके द्वारा राशि जमा नहीं की। 92 से इनके द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही है। इन बड़े बकायादारों के विरुद्ध ये कार्यवाही लगातार चल रही है और नहीं एक मामला और कुछ जो कम है।